उद्योग व्यापार मंडल चंडीगढ़ के अध्यक्ष कैलाश चंद्र जैन ने औद्योगिक क्षेत्र के व्यापारियों के द्वारा समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन में शामिल होकर इन व्यापारियों की समस्याओं के हल की मांग की तथा औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रहे व्यापारियों के हक में पॉलिसी बनाकर इनकी समस्याओं का एक मूल हल निकालने की भी मांग की। बाकी तो अपने अड्डे पर चलते हैं सर, आप इस काम के लिए आइए प्लीज। बड़े लीडर हैं चंडीगढ़ के, इंडस्ट्री एरिया की काफ़ी देर से ये डिमांड चली आ रही है, इनका कहना है कि मजबूर हो गए हमें ये प्रदर्शन करना पड़ रहा है, इस पर आपका क्या क्या है? देखिए चंडीगढ़ में व्यापारी जो अफसरशाही से तंग है, सबसे पहले बात ये है व्यापारी अफसरशाही जो चंडीगढ़ में हावी है इस पर लगाम लगना चाहिए, और इंडस्ट्रियल एरिया की जो अभी तक आज ये जो प्रदर्शन चल रहा है, मेरा इसमें ये कहना है कि इंडस्ट्रियल एरिया के जो लोग हैं अपने दुकानों पर अपने प्लाटों पर काम कर रहे हैं, कोई सरकारी ज़मीन घेर के काम नहीं कर रहे, किसी तरह की इनक्रोचमेंट नहीं है, कोई भी किसी तरह का किसी सरकारी ज़मीन पर इनक्रोचमेंट नहीं कर रहे, अपनी दुकानों में काम कर रहे हैं, अपने प्लाटों में काम कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन इन पर भी डंडा लगाए रखे है। मेरा ये मानना है जैसे पूरे शहर में प्रशासन ने पिछले दिनों एक पॉलिसी चलाई थी कि जो चेंज ऑफ ट्रेड है उसको रेगुलराइज कर दिया था, जनरल ट्रेड मान लिया गया था, तो इंडस्ट्रियल एरिया में चंडीगढ़ में इंडस्ट्रीज़ का कोई ऐसा नहीं है अभी, इंडस्ट्रीज़ फ्रेंडली चंडीगढ़ की प्रशासन की कोई नीति नहीं है, चंडीगढ़ में इंडस्ट्रीज़ में अगर लोगों ने दुकानें कर ली हैं तो कुछ जुल्म नहीं किया है, तो वो जो चंडीगढ़ में जो इंडस्ट्रियल एरिया में जो दुकानें इन्होंने कर ली हैं उनको बाकी जनरल ट्रेड के ब्याप पे उसी बिना पर इनको भी जनरल ट्रेड की पहली तो इजाज़त मिलनी चाहिए जनरल ट्रेड की। दूसरा एक मुद्दा इनका ये सबसे ज़्यादा मुद्दा है, कुछ फैक्ट्रियों में नीड बेस चेंज कर लिए गए हैं, उनको रेगुलर होना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है नीड बेस चेंजेस का, जो चेंज हो गए हैं इंटरनल चेंजेस हैं, बाहर का कोई चेंज नहीं है, किसी भी दुकान में किसी फैक्ट्री में बाहरी कोई चेंज नहीं है, इंटरनल चेंजेज है सब में, वो ज़रूर दूर होना चाहिए। तीसरा जो एक और मुद्दा इंडस्ट्रियल एरिया के लिए खास तौर से है, बड़े प्लाटों के जो दो कनाल से जो बड़े प्लाट थे उन प्लाटों को इन्होंने कन्वर्शन पॉलिसी उनके लिए लाए, लेकिन दो कनाल से जो छोटे प्लाट थे उनके लिए कोई कन्वर्शन पॉलिसी नहीं आई, उनकी कन्वर्शन पॉलिसी लाए के बड़े प्लाटों के लिए तो FAR बढ़ा दी, छोटे प्लाटों की FAR नहीं बढ़ाई, ये भी एक इन छोटे दुकानदारों के लिए छोटे इंडस्ट्रीज के लिए एक धक्का है, तो मेरा ये निवेदन है कि दुकानदारों की इंडस्ट्रीज वालों की सारी समस्याओं को प्रशासन को सुनना चाहिए और उसके ऊपर जो सही फैसला हो व्यापारियों के हक में फैसला हो एक कमेटी बनाए, कमेटी बना के जिसमें व्यापारियों के भी जो प्रतिनिधि शामिल हों, इंडस्ट्रियल एरिया के प्रतिनिधि शामिल हों और एडमिनिस्ट्रेशन के प्रतिनिधि शामिल हों, बैठ के कमेटी बनाए और ये फैसला करके जो एक पॉलिसी है, पिछले दिनों गवर्नर साहब से मिले थे, उन्होंने कहा था हम पॉलिसी बना रहे हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए, लेकिन वो पॉलिसी बनाने की बजाय दुकानदारों को तंग किया जा रहा है, जो कि शरेआम गलत है, बिल्कुल गलत है, तंग नहीं होना चाहिए, करना चाहिए, इनके लिए एक पॉलिसी बनाए और इनको राहत दी जानी चाहिए, चंडीगढ़ में इंडस्ट्री फ्रेंडली माहौल बनाया जाना चाहिए और दुकानदारों के हक में पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।